नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे YouTube चैनल SS एनालिसिस पर हार्दिक स्वागत है। आज 16 अक्टूबर है। आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ निफ्टी के मूवमेंट्स की। एक लाइव चार्ट पर आज हम एनालिसिस करेंगे उसका, छोटी से छोटी टाइम फ्रेम से लेकर बड़े से बड़े टाइम फ्रेम में कि निफ्टी के मूवमेंट अभी क्या इशारा कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं निफ्टी के लाइव चार्ट पर। यह निफ्टी का लाइव चार्ट है। जैसा कि मैंने बताया था अपने पिछले एनालिसिस में कि मैं आने वाले कुछ ट्रेडिंग सत्र में इसी चार्ट पैटर्न पर निफ्टी का एनालिसिस करूंगा। तो आप यहां देख सकते हैं कि आज निफ्टी ने एक गैप अप ओपनिंग तो दी है, परंतु जैसे मैंने बताया था कि निफ्टी इस अप ट्रेंड लाइन को क्रॉस करता है तो ये इस अप सेकेंड अप ट्रेंड लाइन पर रेजिस्टेंस जरूर फेस करेगा, और ठीक वैसा ही कर रहा है। तो आइए अब मैं इस चार्ट को आपको दिखाना चाहूँगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आप यहाँ देख सकते हैं कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम में कि निफ्टी ने इस बियरिश कंसोलिडेशन जोन से एक गैप अप ओपनिंग लेकर यहां तक गया था 12 तारीख को, और यहां लगातार उसने रेजिस्टेंस फेस की। फिर मंडे को 15 अक्टूबर को यहां तक निफ्टी गया, फिर नीचे दबाव में रहा, यहां सेलिंग प्रेशर काफी रहा और ये 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आया, परंतु यहां उसे 200 डेज मूविंग एवरेज की अच्छी सपोर्ट मिली जिससे निफ्टी ने फिर ऊपर की चाल पकड़ी और यहाँ एक रेजिस्टेंस मिला निफ्टी को। आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि 10,521 पर निफ्टी को एक रेजिस्टेंस मिला है, और उसके बाद निफ्टी ने नीचे का रुख लिया। इस बुलिश कंसोलिडेशन जोन के निचले स्तर पर इसको तोड़कर वो नीचे आया, परंतु आप यहाँ देखें कि 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर थी और रही इस सेशन के अंत तक, और निफ्टी ने यहाँ 20 डेज मूविंग एवरेज पर सपोर्ट दिया और निफ्टी ने एक बार फिर ऊपर जाने की कोशिश की, परंतु फिर वहीं पर यानी 10,521 के लेवल पर निफ्टी को रेजिस्टेंस मिला है और निफ्टी अंततः यही बंद हुआ इन्हीं लेवल्स पर। परंतु आज निफ्टी ने एक छोटा सा गैप अप दिया है और उसके बाद अच्छी हमने बाइंग देखी है इसमें, परंतु इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड को तोड़ने के बाद निफ्टी ने सेकंड रेजिस्टेंस जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर निफ्टी दोबारा से रेजिस्टेंस फेस कर रहा है और निफ्टी पुनः इस स्लोपिंग ट्रेंड पर टिक गया है थोड़ा। अब यहाँ से देखना होगा कि निफ्टी किस हो जाता है। मेरा मानना यह है कि अगर निफ्टी अगले आधे घंटे में इस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन को जो कि ये मैंने बनाई है इसको अगर तोड़ने में नाकामयाब रहता है तो हम इसमें एक तेज गिरावट देखेंगे। तो सिर्फ ये आधा घंटा, आने वाला आधा घंटा या एक घंटा लेकर आप अगर एक घंटे तक आप इंतजार कर सकते हैं कि निफ्टी एक बड़े डिसीसिव जोन में कहूंगा मैं यहाँ पर है, क्योंकि जैसा कि मैंने पिछले अपने एनालिसिस में बताया कि ये बुलिश कंसोलिडेशन जोन जो मैंने यहाँ मेंशन किया था ये एक मिड पॉइंट है। निफ्टी का एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल है 10,563 का, जिसके ऊपर निफ्टी को सस्टेन करना काफी जरूरी है। यदि निफ्टी बुल्स को ऊपर जाना है तो इसके ऊपर निफ्टी को सस्टेन करना पड़ेगा। यदि निफ्टी इन लेवल्स को नहीं तोड़ पाता और इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड के नीचे आ जाता है तो यहाँ से हम एक तेज गिरावट निफ्टी में देखेंगे जो कि निफ्टी को वापस इस बुलिश कंसोलिडेशन जोन से नीचे धकेल सकती है, क्योंकि आज का जो लेवल है 10,607 का ये निफ्टी के लिए बड़ा अहम लेवल है जहां से निफ्टी वापस लौटा है। यहां पर हमने देखा कि सेलिंग प्रेशर काफी था जिससे निफ्टी को नीचे की ओर धकेला। अभी भी ये सेलिंग कंटिन्यू है क्योंकि कल 15 अक्टूबर को FIs ने भी बहुत कम सेलिंग की है और DIs ने भी बहुत कम बाइंग की है, वॉल्यूम्स बहुत कम है। तो ऐसे में और कुछ इंटरनेशनल परिस्थितियां सभी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर टेंशन का माहौल क्रिएट किए हुए हैं, क्योंकि हाल ही में एक सऊदी जर्नलिस्ट का डिसअपीयर होना, सऊदी कंसुलेट से, ये जर्नलिस्ट की मूल नागरिकता अमेरिका की है, इसलिए अमेरिका भी प्रेशर बना रहा है सऊदी अरेबिया पर कि वो इस जर्नलिस्ट को तुरंत ढूंढे। इसी वजह से इंटरनेशनल लेवल पर एक टेंशन का माहौल क्रिएट हो गया है जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय बाजार कल ऊपर की ओर गए थे परंतु फिर नीचे आ गए। इसका असर क्योंकि क्रूड पर पड़ता है, गोल्ड पर पड़ता है, यदि इंटरनेशनल लेवल पर कोई टेंशन होती है तो गोल्ड भी एक दबाव में आज ट्रेड कर रहा है कल से, और क्रूड के ऊपर जाने के काफी माहौल बन रहा है कि क्रूड प्राइसेस ऊपर जाएं जिससे हमारी भारतीय करेंसी पर और
विश्व की अन्य करेंसियों पर नीचे का दबाव बनता है, हमारा रुपया फिसलना शुरू हो जाता है और ऑलरेडी हमारा रुपया काफी एक दयनीय स्थिति में मैं कहूंगा पहुंच चुका है। वो 73.66 रुपए पर अभी ट्रेड कर रहा है और इसके फिर और फिसलने के अनुमान हैं, जैसे कि मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। अभी रुपया अभी और फिसल सकता है यानी 75 रुपए तक। तो इन सब बातों का असर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि निफ्टी पूर्णतः एक गैप अप देने के बाद अभी भी पूर्णतः एक दबाव में है। आइए अब मैं इस चार्ट को दिखाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। तो यहाँ आप और क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ निफ्टी ने एक छोटा सा गैप अप दिया था आज सुबह और यहाँ अच्छी हमने बाइंग देखी और एक बुलिश चैनल तो बना जो निफ्टी को इन रिवर्स तक ले गया। परंतु यहाँ पर आप 5 मिनट के चार्ट में ही देख सकते हैं कि निफ्टी ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस फेस किया और निफ्टी नीचे की ओर आया और निफ्टी अभी करंटली यहाँ पर ट्रेड कर रहा है। और जैसा कि यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं कि 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है 5 मिनट के चार्ट में, जो कि एक बेरिश सिग्नल है और निफ्टी को एक नीचे का झटका दे सकता है। और मेरा मानना यह है कि यदि निफ्टी अगले आधे घंटे में इस लेवल पर यानी 200 डेज मूविंग एवरेज 5 मिनट के चार्ट में 10,460 पर है, यदि इस पर एक बाउंस बैक ले गया इन लेवल से तो निफ्टी इस रेंज में ट्रेड करता रहेगा। परंतु यदि वो इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड को नहीं तोड़ पाता, अगले आधे घंटे में इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, तो हम निफ्टी में लगातार सेलिंग देखेंगे, जो निफ्टी को इवन की इस लेवल से भी नीचे ला सकती है। और इसमें कोई शक नहीं कि निफ्टी वापस बेयरिश कंसोलिडेशन जोन के अंदर आज आ सकता है। तो इसके लिए जरूरी है कि यदि निफ्टी बुल्स इस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन को तोड़ें और इसके ऊपर सस्टेन करें ताकि निफ्टी बुल्स आगे जा सकें। परंतु यदि यहाँ निफ्टी बीयर्स की अधिकता हम देखते हैं इन रिवर्स पर, तो ये पक्का हो जाएगा कि निफ्टी बुल पीछे की ओर वापसी लेंगे और निफ्टी वापस 10,270 के लेवल तक आज आ सकता है। आइए अब इस चार्ट को वापस 15 मिनट के चार्ट में देखें। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड पर रेजिस्टेंस मिलने के बाद निफ्टी नीचे की ओर आया है और इस सेकेंड सपोर्ट पर यानी डाउनवर्ड स्लोप पर निफ्टी सपोर्ट तो ले रहा है, परंतु फिर भी निफ्टी में सेलिंग देखने को मिल रही है। तो आगे आने वाले आधे घंटे में ये साफ हो जाएगा कि निफ्टी की दिशा किस तरफ रहेगी। यदि निफ्टी ये जो 15 मिनट के चार्ट में 200 डेज मूविंग एवरेज एग्जिस्ट करती है 10,390 के स्तर पर, यदि निफ्टी इन लेवल्स के नीचे आ जाता है 15 मिनट के चार्ट में, तो निफ्टी की दिशा नीचे की ओर रहेगी। तो जरूरत है आज अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के बीच निफ्टी के चाल को हम देखेंगे, जो कि अभी मुझे नहीं लगता कि बुल्स की फेवर में है। अंतर्राष्ट्रीय जो माहौल है वो काफी अनिश्चितता भरा है। आइए अब हम देखते हैं कि रुपए की क्या चाल है इन सब बातों के बीच में, इन सब अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बीच। तो आप यहाँ देख सकते हैं एक रुपए और यूएस डॉलर का एक 15 मिनट का चार्ट है। इसमें आप देखें कि आज 16 तारीख को यहाँ पर रुपया थोड़ा मजबूत हो रहा था, कल ट्रेडिंग सत्र के खत्म होने के बाद रुपया जो है 73.71 रुपए के स्तर पर बना हुआ था, यानी थोड़ा मजबूत था। 15 अक्टूबर को जो उसने 74 रुपए का स्तर छुआ था, और बल्कि मैं तो कहूँगा 74.39 रुपए तक रुपया फिसला था, वहाँ से कुछ मजबूत हुआ, नीचे की ओर आया यानी मजबूत हुआ और वो 73.70 रुपए के ऊपर बना हुआ था, जो कि इन लेवल्स के तुलना में काफ़ी थोड़ा मजबूत था। परंतु आज आप यहाँ देख सकते हैं कि 16 तारीख को इन स्तर से एकदम शूट किया है रुपया, यहाँ नीचे फिस रहा है 74 रुपए के ऊपर तक 15 मिनट के चार्ट में। बार बार सेलिंग हुई है और रुपया डॉलर सेल किए गए हैं, तो रुपया थोड़ा मजबूत हुआ है और अभी 73.76 रुपए पर चल रहा है। अभी तक 73.70 रुपए तक पर बना हुआ था, परंतु अभी कुछ मिनट पहले ही रुपये ने फिसलना शुरू किया और वापस रुपया 73.91 रुपए तक जा पहुंचा है। यहाँ पर जो सिग्नल्स मिल रहे हैं वो रुपए के और नीचे गिरने के मिल रहे हैं, रुपये और फिसल सकता है। और आज मेरा मानना है कि रुपया 74.20 रुपए के स्तर पर जा सकता है, यदि यही चाल रही रुपए की फिसलने की, तो रुपया इसमें कोई शक नहीं कि 74 रुपए के ऊपर ही चला जाए, जो कि निफ्टी के लिए काफी नेगेटिव साबित होगा।
और निफ्टी में हम इसका स्पष्ट रूप से प्रभाव देखेंगे और दिख भी रहा है कि निफ्टी अभी दबाव में है, जबकि ये एक गैप अप दिया था उसने आज एक छोटा सा, परंतु मेरा मानना यह है कि यदि आने वाले और 15-20 मिनट तक निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता, इस लेवल तक इस डाउनवर्ड स्लोप को नहीं तोड़ता, तो निफ्टी में एक तेज गिरावट की मैं उम्मीद करता हूं, जो कि निफ्टी को 10,240 के लेवल तक नीचे ला सकती है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो ये बैंक निफ्टी का मेरा एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग जोन है जो मैंने 15 अक्टूबर के हफ्ते के लिए बनाया था। आज चर्चा करेंगे कि उसमें बैंक निफ्टी की क्या स्थिति है। आइए मैं इस जोन को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ये एक घंटे के चार्ट में है। इसमें मैंने अपनी एक्सपेक्टेड ट्रेडिंग जोन को बताया था बैंक निफ्टी की, आने वाले यानी 15 अक्टूबर से बैंक निफ्टी के क्या लेवल्स हो सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी इस हफ्ते में 15 तारीख को इन स्तरों पर खुला था, उसके बाद थोड़ा नीचे गया एक घंटे के चार्ट में, और फिर इन्हीं लेवल्स पर उसने कंसोलिडेट किया, फिर उसने एक ऊपर की चाल पकड़ी, परंतु पहला रेजिस्टेंस बैंक निफ्टी को यहाँ मिला जहाँ की 200 डेज मूविंग एवरेज परसिस्ट करती है, जहाँ की आप 200 डेज मूविंग एवरेज को देख सकते हैं, जो कि बैंक निफ्टी को एक कड़ा रेजिस्टेंस प्रदान करती है। जब बैंक निफ्टी नीचे से ऊपर की ओर जाता है तो इस 200 डेज मूविंग एवरेज को तोड़ पाना बैंक निफ्टी के लिए एक मुश्किल कार्य होता है। आइए अब मैं और बताता हूँ कि यदि बैंक निफ्टी यहाँ से इस रेजिस्टेंस लेवल को तोड़ भी जाता है, यानी 25,643 पर ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है और 200 डेज मूविंग एवरेज है 25,713 पर, जो कि बैंक निफ्टी के लिए कड़ा रेजिस्टेंस प्रदान करेगी। यदि बैंक निफ्टी ने अपने 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर का लेवल पार भी कर लिया तो अगला रेजिस्टेंस 25,996 पर है। यहाँ पर बैंक निफ्टी को पहला कड़ा रेजिस्टेंस मिलेगा यदि बैंक निफ्टी ऊपर जाता भी है। यहाँ मैंने अंकित किया है फर्स्ट रेजिस्टेंस। आने वाले टाइम में यदि बैंक निफ्टी ऊपर गया भी तो यहाँ इन लेवल्स पर सेकंड रेजिस्टेंस होगा बैंक निफ्टी का, यानी 26,685 पर। और ये जो जोन मैंने बनाई है येलो कलर में, ये बैंक निफ्टी को एक कड़ा संघर्ष यहाँ पे प्रदान करेगी, यानी बैंक निफ्टी इसके अंदर एक सेलिंग का सामना करेगा। और दूसरी ओर यदि बैंक निफ्टी, जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पहली रेजिस्टेंस जोन को और बैंक निफ्टी यहाँ से नीचे की ओर आ रहा है, तो अभी जबकि इस चार्ट में आप देख सकते हैं कि 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे आ चुकी है, तो ये एक नेगेटिव साइन है जो कि बैंक निफ्टी के नीचे रहने का संकेत देते हैं। तो यदि बैंक निफ्टी नीचे की ओर मूव करता है तो पहला सपोर्ट से मिलेगा 24,800 पर, जहाँ की बैंक निफ्टी का पहला सपोर्ट है। यदि इन लेवल्स को तोड़ जाता है तो बैंक निफ्टी को जो बाउंस बैक लेवल यहां से मिल सकता है थोड़ा 24,630 पर, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरें कोई भी पॉजिटिव साइन दे सकती हैं। यदि उनमें कुछ बदलाव आता है, यदि कुछ इश्यूज इंटरनेशनल लेवल पे रिजॉल्व होते हैं, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में एक बाउंस बैक हम देख सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। परंतु सब चीज अनिश्चित है हाल फिलहाल, तो सभी जो खबरें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर। आइए अब हम इस बैंक निफ्टी के चार्ट को 15 मिनट के चार्ट में देखते हैं, ताकि आप और इसको पास से देख सकें बैंक निफ्टी के मूव्स को। आइए अब हम बैंक निफ्टी के उसी चार्ट पैटर्न को एक 15 मिनट के चार्ट में एनालाइज करते हैं, ताकि आप इसको और क्लियर देख सकें। तो आप यहां देख सकते हैं कि 12 तारीख को बैंक निफ्टी ने एक अच्छा गैप अप दिया था और बैंक निफ्टी 25,468 के लेवल तक गया, जहां उसे काफी कड़ा प्रतिरोध मिला, पहला रेजिस्टेंस मिला, और यहां रेजिस्टेंस लेने के बाद बैंक निफ्टी ने एक डाउनवर्ड मूव लिया था और फिर 24,178 से थोड़ा ऊपर के जोन में उसे कंसोलिडेट किया। फिर यहाँ इस पॉइंट से यानी 15 अक्टूबर को बैंक निफ्टी ने थोड़ा ऊपर के कंसोलिडेशन जोन में कंसोलिडेट किया है और इन लेवल्स पर ट्रेड का तह अंत में यहां बंद हुआ है 15 अक्टूबर को, यानी 25,394 पर।
यहाँ थोड़ा सा गैप अप दिया, गैप अप लेने के बाद यहाँ निफ्टी ने ऊपर की चाल पकड़ी, परंतु पहला रेजिस्टेंस यह उसे इस रेजिस्टेंस लाइन पर मिला जिसके ऊपर वो कंसोलिडेट नहीं कर पाया और अब नीचे की ओर आ गया है। इवन की 9 डेज मूविंग एवरेज के भी नीचे अभी ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। और अभी ये देखना होगा कि आने वाले अगले आधे घंटे में बैंक निफ्टी इस रेजिस्टेंस को तोड़ पाता है या नहीं। अगर तोड़ पाता है तो भी इस अगली डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड जो कि इस समय 25,642 पर है, यदि इसके ऊपर बैंक निफ्टी ने सस्टेन नहीं किया तो बैंक निफ्टी में हम ऊपर की चाल की संभावनाओं का कोई उम्मीद नहीं कर सकते। और यदि बैंक निफ्टी इस पहली ही रेजिस्टेंस को नहीं तोड़ पाता तो मैं बैंक निफ्टी में एक तेज गिरावट देखूंगा जो कि बैंक निफ्टी को 24,700 के लेवल तक ला सकती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि पहला हमें सपोर्ट यहाँ पर मिलेगा, यहाँ 200 डेज मूविंग एवरेज परसिस्ट कर रही है यानी 24,940 पर, जो बैंक निफ्टी को एक सपोर्ट प्रदान करेगा 15 मिनट के चार्ट में। तो यहाँ अत्यधिक सतर्क रहने की जरूरत है दोस्तों, कोई भी जल्दबाजी में कोई एकदम से पोजीशन ना लें जब तक कि निफ्टी किसी पर्टिकुलर सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पर सस्टेन नहीं करता। उसके बाद ही उन लेवल्स को देखने के बाद ही आप कोई पोजीशन उठाएं, क्योंकि इस समय माहौल बाजार का एक अनिश्चितता बढ़ा है और कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खबर या कोई भी अंतर्राष्ट्रीय खबर में एक बदलाव एकदम से तेज मूव प्रदान कर सकता है किसी भी दिशा में निफ्टी या बैंक निफ्टी को, इसलिए सावधान रहें। अब यह देखें कि अगला जो कैंडल बना है ये नीचे ही बना है और ये भी रेड हो गया है, और अब ये मुझे लग रहा है कि 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यदि ये नीचे आता जा रहा है और तो 20 डेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 20 डेज मूविंग एवरेज के नीचे की ओर आ जाएगी और बैंक निफ्टी नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों हमें देखना होगा कि पहले सपोर्ट लेवल यानी 24,823 पर बैंक निफ्टी सपोर्ट देता है या नहीं, अन्यथा बैंक निफ्टी को अगला सपोर्ट मिलेगा 24,612 पर। और यदि यहाँ से भी सपोर्ट बैंक निफ्टी नहीं देता नीचे के लेवल पर तो हमें 24,260 पर बैंक निफ्टी पर एक अच्छा बाउंस मिल सकता है। तो अभी हमें आने वाले 15 मिनट में ये एक डिसिसिव मूव देंगे बैंक और निफ्टी और निफ्टी, और ये पक्का हो जाएगा कि बैंक निफ्टी किस ओर रहने वाला है, बैंक निफ्टी की दिशा या निफ्टी की दिशा किस ओर होगी, उनका अगला कदम हमें किस ओर जाएगा। अब वापस मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी का अभी क्या हाल है 15 मिनट के चार्ट में। निफ्टी अभी इस डाउनवर्ड स्लोप पर बना हुआ है, परंतु मैं देखना चाहूंगा कि इस डाउनवर्ड स्लोप को निफ्टी तोड़ता है या नहीं। यदि वो इसके ऊपर इन लेवल्स पर सस्टेन करता है तो ही मैं कुछ ऊपर की चाल देखूंगा निफ्टी में, अन्यथा जो मूविंग एवरेजेस हैं वो तो यही इशारा कर रहे हैं कि निफ्टी बहुत तेजी से नीचे आ सकता है अगले 15-20 मिनट में। वो एक दिशा का रुख साफ तय कर देगा कि उसका अगला कदम किस ओर होगा। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, और उनसे कहें कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि एक सब्सक्राइबर्स का बड़ा बेस मुझे प्रेरित करेगा कि मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पर रेगुलर अपडेट्स दे सकूं। दोस्तों मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, और आप अपना ध्यान खुद रखें, अपने फैसले सोच समझ कर लें, क्योंकि मैं अपने वीडियोस में कोई टिप्स नहीं देता, कोई टारगेट्स नहीं देता, मैं सिर्फ अपने जो टेक्निकल एनालिसिस है उसके आधार पर चर्चा करता हूं कि अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय खबरों का हमारे निफ्टी और बैंक निफ्टी के चार्ट पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।